रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही आसान सा नाश्ता लाई हूँ और जिसे हम सूजी से बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम देखिए पैन रख दिए थे, अच्छे से गर्म हो गया है। तब उसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे और हम इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को तल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसे भून लेंगे हम। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए फिर हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए हो गया है, तो हम इसको निकाल देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें ढेर सारा घी डाल देंगे। अब इसमें हम कम से कम 3-4 चम्मच ये घी है इसको डाल दिए हैं और ये एक कटोरी देखिए हम सूजी लिए हैं। हम यहाँ पे फ्रेंड्स सूजी का हलवा आज बना रहे हैं। तो बनाते में हम लोग कई तरह से बनाते हैं, तो आज देखिए मेरे तरीके से कैसे बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम सूजी को इसमें डाल देते हैं और अब चला देते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी भुना रही है अच्छे से। देखिए थोड़ा घी हम इसमें ज़्यादा रखेंगे और ये देखिए हलवा बनाने का ये सीक्रेट है। ये देखिए इसमें 1 चम्मच हम बेसन डाल देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसे इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। इससे आपके हलवे का कलर और स्वाद दोनों में ही बहुत अंतर रहेगा। वैसे केवल सूजी का एक बार बना के देखिए और एक बार ये 1 चम्मच उसमें आप बेसन मिला दीजिएगा, यही सीक्रेट है इसका। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए हलवा में घी हम डाले हैं और इसे भूनेंगे फ्रेंड्स अब अच्छे से। अब देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी एकदम अच्छे से भून गई है। तो अब हम इसमें यहाँ पे ये देखिए कूटी इलायची छिलके सहित हम डालेंगे। ये हम डाल दिए, अब हो गया है हमारा अच्छे से। तो अब इसमें फ्रेंड्स हम जैसे सूजी दिखाए थे उसका हमें 3 गुना पानी लेना होगा, तभी आपका हलवा पूरा अच्छी तरह से बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम पानी को डाल देते हैं। हम इसे चला देंगे देखिए अच्छे से। और हमारा जो ड्राई फ्रूट था उसे भी हम यहाँ पे अब डाल देंगे। अभी हम देखिए चीनी को नहीं डाले हैं इसमें। तो अब हम इसे अच्छे से सूजी को पकाएंगे। हमें सूजी से 3 गुना पानी डालना पड़ेगा हलवा में, तभी आपके हलवा का जो है रेशियो एकदम सही आएगा। नहीं तो हलवा एकदम सूखा सूखा हो जाता है। आप गरम खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप रख दिए इसको तो फिर ये एकदम मतलब एकदम भरभरा जैसा हो जाता है सूजी का हलवा। लेकिन इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स तो आप शाम तक भी आप रख दीजिए तो आपका हलवा बिल्कुल गीला ही रहेगा इसी तरह से। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। देखिए कलर भी इतना प्यारा आ गया है, एकदम अच्छे से हम सूजी को भूने हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे सूजी आप अपने अनुसार लीजिएगा जितना मीठा आपको पसंद है। तो अब हम यहाँ पे चीनी को डाल देंगे। देखिए और भी प्यारा कलर आ जाएगा जब चीनी मिक्स हो जाएगी इसमें। देखिए बिल्कुल इसको मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल कढ़ाई में देखिए कहीं भी हलवा चिपक नहीं रहा है। तो पानी आप एकदम सही रखिएगा। अब इस हलवे को आप शाम तक भी ऐसे ही रख देंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही हलवा मिलेगा आपका। देखिए अब हो गया मेरा हलवा एकदम अच्छे से। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कहीं भी चिपकना नहीं, पकड़ना नहीं कढ़ाई में, बिल्कुल अच्छे से। इसी रेशियो से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और जो सीक्रेट बताए हैं उसे भी एक बार आजमा कर देखिएगा। अब इस हलवे का स्वाद देखिए। अब ये देखिए हलवा एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। अब आप खाएंगे तभी बताएंगे कैसा बना है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड बन गया हलवा हमारा, हमने देखिए सर्व भी कर दिया। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा और बनाकर बताइएगा फ्रेंड्स कैसे बना है। देखिए हलवा हमारा एकदम कोई मतलब एकदम ड्राई नहीं है, ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा
जैसे रहता है उस तरह से बिल्कुल नहीं है। ये देखिए एकदम गीला गीला बना है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरह से और बनाकर बताइएगा कैसा लगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और आसान सी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।